कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि महिलाओं की योनि से जो डिस्चार्ज होता है, इसे ठीक से देखकर और समझकर आप पीरियड्स आने से पहले ही पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको सिर्फ एक ऐसा खास लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर आपको अपनी बॉडी में नजर आ रहा है और फ्रेंड्स, इस एक लक्षण को अपनी बॉडी में समझकर आप पीरियड्स मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस एक लक्षण को अपनी बॉडी में आपको जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस एक लक्षण को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले आपके शरीर में वो कौन सा एक खास बदलाव आता है जिसकी मदद से आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकती हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जो कपल्स अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उन्हें ये जानने की इच्छा होती है कि हम पीरियड से पहले अपनी प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म करें। क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है ना, तो इसके दौरान क्या है, जैसे आप कंसीव कर लेते हो तो आपकी बॉडी में कुछ खास बदलाव आती है। जैसे कि मुझे आज सुबह एक कमेंट आया कि मैम, जैसे हमने कंसीव कर लिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको अपने पीरियड मिस होने का इंतजार करना चाहिए, और पीरियड मिस होने के लगभग एक हफ्ते बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप पूरी तरह से श्योर हो जाए। दूसरी बात, अगर आप पीरियड से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं तो देखिए, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है कि हार्मोनल चेंज आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं। जैसे सुबह उठते ही एकदम से उबकाई आना, उल्टी, घबराहट होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रेस्ट को छूने पर दर्द महसूस होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट के लेफ्ट या राइट साइड में अचानक से दर्द होना, ऐसे कई सारे बदलाव हैं जो कि आपको पीरियड से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में काफी मदद कर सकती है। लेकिन इसके अलावा जो खास एक लक्षण है जिसके बारे में शायद ही आपको नहीं पता, उसको भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का सबसे शुरुआती लक्षण होता है और प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद आपको अपने शरीर में ये नजर आता है। पीरियड्स के दौरान जब महिलाओं के शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं, यानी कि हार्मोनल बदलाव आता है, तो उनकी योनि से जो डिस्चार्ज होता है उसमें भी एक खास तरीके का बदलाव आता है। और फ्रेंड्स, आपकी योनि से होने वाले इस डिस्चार्ज को वजाइनल डिस्चार्ज या सर्वाइकल म्यूकस के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोनल उतार चढ़ाव आने से, उनकी उम्र कम या ज्यादा होने से, या फिर कोई भी हेल्थ इश्यू होने से, आपकी जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसकी जो मात्रा है और उसका जो रंग है, उसमें एक खास तरीके का बदलाव आता है। इसके अलावा कई बार क्या है कि कुछ कंडीशंस में ये जो सर्वाइकल म्यूकस है वो गाढ़ा या पतला भी हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो सर्वाइकल म्यूकस में क्या अंतर आता है, यानी कि आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो गाढ़ा होता है, पतला होता है, सफेद होता है, पीला होता है, या फिर किसी दूसरे रंग का होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस होता क्या है। तो देखिए, ये जो म्यूकस होता है ना, वो आपके सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा के अंदर या उसके आसपास के ग्लैंड से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है, और ये आपके योनि के जो एरिया होता है उसको पूरी तरह से सेफ रखने का और उसमें चिकनाहट बनाए रखने का काम करता है। लेकिन जैसे ही महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पर हार्मोन चेंज होते हैं, दूसरा ओवुलेशन के टाइम पर हार्मोन चेंज होते हैं, तीसरा आपके पीरियड्स के टाइम पर आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो इन तीन कंडीशंस में क्या है कि आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि जो म्यूकस आ रहा है, उसकी जो रंग है और मात्रा है दोनों ही एकदम से चेंज हो जाती है। जब आपके शरीर में ये जो म्यूकस है उसके रंग और मात्रा में बदलाव आता है, ये आपके ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन का लक्षण भी माना जाता है। दूसरी बात, सर्वाइकल म्यूकस और ओवुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, जब महिलाओं के शरीर में ओवुलेशन पीरियड शुरू होने वाला होता है तो आपकी बॉडी में क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है कि आपके शरीर में इस म्यूकस की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, यानी कि आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है। फ्रेंड्स, ओवुलेशन के टाइम पर ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना,
इसकी मात्रा एकदम क्रीमी सफेद होती है, यानी क्रीम टाइप की होती है। ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, वो रिलेशन के दौरान पुरुष के स्पर्म को महिला के शरीर के अंदर जीवित रखने का और तैरने का काम करता है। अगर आपके हाल ही में पीरियड्स मिस हो गए हैं और आपको वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्रीमी टाइप का हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है ना, उसकी मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। तीसरी बात, प्रेगनेंसी में होने वाला जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो कैसा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सर्वाइकल म्यूकस के बारे में शायद आपको पता चल गया है, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस है वो किस तरीके का हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो ना, तो इसके बाद से ही आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि आपकी पैंटी पर पहले की अपेक्षा डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है और ये क्रीमी कलर का है। और शुरुआती 3 महीने तक इसकी मात्रा हर दिन आपको बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। इसीलिए शुरुआती दिनों में क्या है कि आपको अपने अंडर गार्मेंट जो है दिन में 2 से 3 बार चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपके योनि के संपर्क में आता रहा तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है, दूसरी तिमाही आ जाती है, तो आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो म्यूकस प्लग के रूप में बदल जाता है, जो कि आपके शरीर में सर्वाइकल ओपनिंग को ब्लॉक करके रखता है, जो कि आपके बच्चे को होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। और जब आपकी प्रेगनेंसी की 3री तिमाही का 9वां महीना आ जाता है, तो 9वें महीने के दौरान यानी कि डिलीवरी डेट के नजदीक जब होती है ना आपकी डिलीवरी डेट, उस समय क्या है कि म्यूकस प्लग टूट जाता है। इससे क्या है कि आपको जैसे यूरिन पास करने जाते हैं तो यूरिन के साथ आपको ब्लड आता है, तो यह म्यूकस प्लग टूटने का संकेत ही होता है, और इसके बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अब जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और ऐसा थिक आपको सर्वाइकल म्यूकस हो रहा है, तो इसको चेक कैसे करें, यानी कि कैसे पता करें कि ये प्रेगनेंसी का ही सिम्टम्स है। क्योंकि इतनी सारी बात बताने के बावजूद भी कई सारी महिलाओं के मन में डाउट रहता है कि हम पता कैसे करेंगे कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। सबसे पहला तरीका है कि जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाती है, यानी कि जैसे आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और इस समय आप चाहती है कि अपने वजाइनल डिस्चार्ज से पता करें कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, तो आपको यूरिन पास करने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट को टॉयलेट टिश्यू से साफ कर लेना है, और साफ करने के बाद आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका रंग और मात्रा को देखना है कि ये किस तरह का है, और इसी को देखकर आप पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। दूसरा तरीका है, अपनी पैंटी पर इसके रंग और इसकी मात्रा को देखकर भी आप पता कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, उंगली के द्वारा भी आप पता कर सकते, यानी कि ये जो डिस्चार्ज है अगर आपको हो रहा है तो इसको अपनी उंगली पर लेकर इसकी रंग और मात्रा को आप देखकर भी पता कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो, तो पहले हफ्ते में आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है ना, ये आपको गुलाबी रंग का और भूरे रंग का भी नजर आ सकता है। और फ्रेंड्स, पीरियड से पहले और ओवुलेशन के दौरान अगर आपके वजाइनल डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, बढ़ गई है, तो इसका मतलब है आपने 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है इससे किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।